हमारे सामने जो खड़ी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू। मिसेस इंडिया क्वीन भी है हमारे सामने। मिसेस इंडिया क्वीन के कहां से है? मिस मिसेस क्वीन। हां मिसेस क्वीन। तो आप बताइए कि कितनी एक्साइटमेंट है आज के इस मौके पर। हमारे सामने भी जो है वो भी क्वीन लग रही है। निकम्मा क्वीन भी कह सकते हैं आज। मैं निकम्मी हो गई हूँ आज। हाँ चलेगा। ये रिलीज तक मैं ठीक हूँ। इस नाम से मैं इसी नाम से जानी जाऊँगी। नहीं बहुत खुशी है मुझे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैजेंट है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मैरिड वीमेन जो मुझे ऐसे लगता है कि अपनी पहचान भूल जाती हैं या खो देती हैं शादी के बाद। ज़्यादातर लड़कियाँ जानी जाती हैं अपने पति के सरनेम से। बहुत कम मेरी जैसे अपना सरनेम रखती है, मिडिल नेम रखती है। बट इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर आई फील अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहिए। एंड आई फील हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है बचपन से, स्पेशली इंडियंस, के यू नो यू एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ योर फैमिली। एंड आफ्टर मैरिज ऐसे हो जाता है कि बस सब कुछ अपने फैमिली के लिए ही करती हैं लड़कियां और अपने बारे में भूल जाती हैं एंड अपने लिए करना बंद कर देती हैं, यू नो। एंड अगर करती भी हैं तो बहुत ही अपोलोजेटिक फील करती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक ऐसा पैजेंट का होना फॉर दोज वीमेन हु आर मैरिड, और मुझे ऐसे लगता है दे फील कि शादी के बाद नोबडी वॉन्ट्स देम, यू नो। और ऐसे मतलब कुछ हासिल करने के लिए रह नहीं जाता इन टर्म्स ऑफ लाइक ब्यूटी एंड ग्लैमर। तो ऐसा जब एक पैजेंट हो जाता है तो यू जस्ट फील के यू नो देयर इज समथिंग दैट इंसेंटिवाइजेज वुमेन कि खुद अपनी पहचान को बनाए रखे, अपनी पहचान यू नो ताकि उनको वापस मिल जाए। एंड आई जस्ट फील इट्स रियली वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ जज ओवर हियर। एंड So yes, I feel really happy and elated, and I want to thank Shweta and Ranbir Roy. जैसा कि शिल्पा जी आपने बताया है, बहुत सारी लड़कियां हैं कि शादी के बाद भी वो काम करना चाहती हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ टिप्स देंगे शिल्पा जी, जो कि हमेशा आपकी तरह ऐसे ग्लैमरस। I just feel that you have to, अगर आपको काम करना पसंद है, एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि बस काम ही करो और फिर अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर करो। वो बैलेंस बनाए रखो। अगर आप काम भी कर रहे हैं तो अपनी फैमिली को भी उतना ही अहमियत दें। एंड प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपना 100% देना उस वक्त में, उस क्षण में रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं 100% अपनी फैमिली की होती हूँ। जब मैं सेट पे होती हूँ, आप लोगों ने देखा हुआ है, मैं 100% अपने काम को देती हूँ। सो आई जस्ट थिंक या जी जी थैंक यू आपके ज़रिए मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। जब मैंने ट्रेलर पहली बार देखा तो मुझे ऐसे लगा कि वाह यार क्या कमाल ट्रेलर है, बिकॉज आई लव मासी एंटरटेनर्स जो निकम्मा फिल्म हम लोग रिलीज़ करने जा रहे हैं 17 जून को। मुझे ऐसे लगा, मैं शायद बायस्ड हूँ, लेकिन सभी को बहुत अच्छा लगा। गाने बहुत अच्छे हैं हमारी फिल्म में और एंड इट्स एन आउट एंड आउट मासी एंटरटेनर। सो आई रियली होप यू गो एंड यू सी इट। एंड मुझे एक नए अवतार में मैं खुद दिखूँगी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे लेकर। आई नो 21st को मैं लंदन रहूंगी, लेकिन उस वक्त वहां से मैं योगा करूंगी। थैंक यू सो मच। हैप्पी इंटरनेशनल इस मौके का। 1 मिनट ये बात के लिए आप यूज कर सकते हैं। चलो 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 यहाँ से बैठ।